सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को तो मिलेगा और काफी मजा आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। में एक शोर बरपा है कुछ दिनों से। यहाँ पे तो इतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रही पाकिस्तान में, और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन भी है। लेकिन असल रीजन इसके पीछे क्या है, और एक खबर भी मैं पढ़ रहा था कि जी डोवल साहब ने कहा है कि इसको हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे, क्रश कर देंगे। तो इसके पीछे हकीकत क्या है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी और छोटी और बड़ी चीजें हैं जो जुड़ी हुई है, उस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियन कश्मीर से ताल्लुक है इनका, याना मीर साहबा। यकीन आप सब जानते हैं याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you for having me on your show. Assalamu alaikum to all your viewers. Ramzan Mubarak and Navratri ki shubhkamnaye. बहुत शुक्रिया एंड सेम टू यू याना जी। अच्छा याना, एक तो बात शुरू इससे करेंगे कि आजकल यहाँ पे, वैसे ये बात एक हफ्ता 10 दिनों से मुख्तलिफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सोशल मीडिया, अपने ट्विटर हैंडल्स पे, मुख्तलिफ टीवी शोज में मैं सुन रहा था। और एक हफ्ता पहले मैंने इस पे बात की थी, मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि वो बात करें टीवी चैनल्स में। बाकायदा न्यूज बुलेटिन जो 9 PM का होता है, उसमें बाकायदा पैकेजेस चल रहे हैं कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब, उनसे बड़ा इख्तलाफ भी है लोगों को। कुछ लोग, अब बहुत सारे लोग तारीफ भी उनकी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कि उन्होंने ये किया था। एक बात पे सारे लोग आज एग्री हैं पाकिस्तान के, और वो ये है कि यहाँ पे जो स्टेट्स को गिफ्ट्स मिलती हैं वो मुख्तलिफ लोग बांट लेते हैं और घरों को ले जाते हैं। तो उनका एक क्लिप बड़ा फेमस है आजकल चल रहा है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि यार मेरे भी कभी कभी दिल करता है कि यार ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग मुझे मिली है तो मैं ये घर की दीवार पे अपने रूम में लगवा दूं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं लगाता, मैं इसको ओपन ऑक्शन में लेके देता हूं, और फिर जो है वो पैसा मुख्तलिफ जो जनता है उनके इस्तेमाल में वो पैसा आता है उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। थोड़ा सा इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि आजकल तो शखाना में लोग लाखों करोड़ों की गड़ियों से लेके गाड़ियां, कारपेट्स, कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने छोड़ी हो। तकरीबन सब ने अपने, कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि गंगा में हाथ धोया नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे नहाए हुए हैं। थोड़ा सा इससे शुरू करेंगे फिर आगे चलते। जी देखिए, जिस आरएसएस को हर बार गाली दी जाती है ना इंडिया में, जी बिल्कुल, अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार, संस्कार का मतलब है जो द वर्च्यूज दैट एन इंडियन हैज, वेदर ही इज अ हिंदू और अ मुस्लिम। लेट मी मेक इट क्लियर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपनी ग्रीड से ज्यादा दूसरों को, दूसरों की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, वासुदैव कुटुंब जिसको हम कहते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होर्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, बिल्कुल आई आपके एग्री विद यू। हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी की वर्च्यूज पे ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज वाई इट इज हार्ड, बट वी नो कि ग्रीड पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए फॉर द गुड ऑफ द होल नेशन, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज हमारे अंदर है, और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना कि किसी रिलीजन को। जी फाइन। अच्छा याना, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं, मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है, मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही है। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है, लोग
कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा हूँ, बिलीव मी, याना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली, तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप बेशक उनसे जी जी प्लीज हाँ, इसको दो रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, बिल्कुल वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जांपल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि बिल्कुल उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब यही पाकिस्तानी दो चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जाम्पल दे रही। तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब यहाँ जब हाँ गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते, या क्योंकि बिल्कुल गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात, या कि वो बिल्कुल एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलत फहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया, या और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है, कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूल कर एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले, जब गुजरात के लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलो। तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है, चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो जो भी, वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी जी बिल्कुल को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं बेशक मोदी बिल्कुल जी के साथ। और मोदी, और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। तो बिल्कुल हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट ने, हालांकि मैं पर्सनली जो है मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती, ये मेरे सारे डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम ये मेरे सारे फॉलोअर्स जानते हैं, ठीक लेकिन फिर भी आप देखिए फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये है मोदी जी। या तो बिल्कुल अब पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेट करता भी है अपने मुफाद के लिए, अपनी बेतुकी पॉलिटिक्स के लिए, तो वो बेवकूफ नजर आता है उसका कोई क्योंकि फायदा दुनिया ने नहीं। ऑलरेडी, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपनी अप्रूवल दे दी है मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर, मोदी जी को लेकर एज अ लीडर जी। अच्छा याना जी, एक चीज और है, और वो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा, फिर वो पंजाब वाले इशू पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो भी हम मुझे मिलते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं तो वैसे पूछते रहते हैं कि यार ये वाली बात, ये बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंट्री है, यानी इस वक्त इंडिया 5वीं बड़ी रिजर्व रखता है इकोनॉमी, यानी ये सारी चीजें, बहुत पैसा है उनके पास, वो बड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। आपने शूज की बात की कि जी 8 लाख का जूता पहन के जाते हैं और पैसा मांग रहे जी IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर सऊदी अरेबिया से या फिर UAE से। बिलीव मी ये बात हम पाकिस्तान के
अंदर बैठकर मुख्तलिफ शोज में हम ये बात करते हैं कि यार आप कम अज कम उस लेवल का जाए कि आप उनसे उधार मांगने जा रहे, या तो आप उनको देने जा रहे हो ना, फिर 8 लाख का क्या आप 50 लाख का पहन के चले जाएं। वैसे ने जो बड़े लीडर्स होते हैं इस तरह की, वो फिर नहीं करते, वो कहते यार हमने बस ठीक है व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया, नीचे धोती, और वो मोदी साहब की मैं अक्सर एक तस्वीर देखता हूँ जिसमें नीचे कुस्सा टाइप एक शूज है वो पहन के बस वो फिर रहे होते हैं। कहीं पे भी हो जाए, वो अमेरिका जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो अपने इंडिया में हो या वो सऊदी अरेबिया जाए, कोई और कपड़े मैंने उनके अभी तक नहीं देखे। क्यों ये स्पेशली जो हमारे एशियंस हैं, हम लोग थोड़े से ज्यादा शोखे होते हैं ना, हमें होता है कि यार हम थोड़ा सा दिखाएं, हालांकि ये शाखर्चियां मैंने अगेन आरएसएस क्योंकि आरएसएस हमें सिखाता है हाउ टू बी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ आरएसएस बट आई एम टेलिंग यू क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया। गुड, तो वन ऑफ द इंडियन वर्च्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी, कपड़े होते हैं तन ढकने के लिए सिर्फ, बिल्कुल, इससे ज्यादा उनकी कोई मान्यता कोई मायने नहीं होता है। तो उसके ऊपर ठीक है, आप ठीक है, यू कैन बी नीटली ड्रेस्ड एज नीट एज पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर ड्रेसिंग पर आप इतने करोड़ों खर्च करेंगे, लाखों खर्च करेंगे, इसमें कोई सेंस है नहीं। खैर बॉलीवुड वो चीज प्रमोट करता है, बट बॉलीवुड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन वैल्यूज एज सच, बट हाँ, तो जो हमारी वैल्यूज है वो ये सिंप्लिसिटी। तो अगेन वो एक आरएसएस की वैल्यू है, एंड बिकॉज मोदी जी द प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस, तो उनके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आएंगी, ना सिर्फ उनके अंदर लेकिन जो टॉप रैंकिंग जो टॉप रैंकिंग पेरेंट कोर बॉडी में जो बीजेपी वाले हैं उन सब में ये आपको क्वालिटीज नजर आएंगी, सिंप्लिसिटी ड्रेसिंग, लैक ऑफ ग्रीड। यू नो आप देखिए जब मोदी जी अपनी माँ के साथ फोटोज लेते हैं, वो कौन सा 5-star होटल में बैठे होते हैं, दाल रोटी खा रहे होते हैं घर में बैठे, बिल्कुल उसमें आपको समझ आता है कि द मैन इज सो सिंपल, हार्ड वर्क, फोकस ऑन वर्क इज सो इम्पोर्टेंट। वही उनकी माँ जब गुजर गई तो उनका अंतिम संस्कार खत्म करके सीधे चले गए ऑफिस, ना कोई रोड ब्लॉक्स हुए ना कुछ, मतलब आप सोचिए ये है संस्कार। और कहते हैं अपने कैबिनेट के लोगों को याना मना कर दिया, कहते अपने कैबिनेट के लोगों को कहते हैं कि उनके फ्यूनरल च्यूनल पे आप लोगों ने नहीं आना भाई, आराम से बैठ के अपने काम धंधे करो जो काम है आप लोगों का। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यानी प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर किसी किसी दूसरे ऑफिसर का कोई इस किस्म का हो जाता है तो पूरा ऑफिस तो कहते हैं जी फलां साहब की मदर या फादर की, मैं कहता हूँ कंडोलेंस और चीज है, वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, पूरा दफ्तर बंद हो जाता है, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बिलीव मी। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है, क्योंकि मेरा ऑफिस का आना जाना उस रस्ते से किसी वक्त होता था, तो वो पूरा ब्लॉक होता था मुकम्मल तौर पे, वो रोड अलांग की बहुत खुली जगह है, बड़ी खूबसूरत है, तो वहां पे क्योंकि फलां के फादर या फलां के मदर की डेथ हुई है तो पूरा दफ्तर क्या और पता नहीं बाकी ऑफिसेस के लोग वहां पे पहुंचे होते हैं। वही मैं कह रही हूँ, तो सिंप्लिसिटी है, और एक मतलब खुद को इतना सेल्फ को इतना बड़ा नहीं समझना, अगेन दैट इज एग्जैक्टली, ये सारे हमारे वर्च्यूज हैं, और इन सारे वर्च्यूज को जो है आरएसएस प्रमोट करता है अपनी ट्रेनिंग में, यू नो चाहे वो जो भी जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके हुक्मरान ये कहते हैं कि आरएसएस जो है लोगों को नाजी बनने की ट्रेनिंग देता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके जो शॉर्ट्स हैं वो नाजी लोग जिस तरह के शॉर्ट्स पहनते थे उस तरह के शॉर्ट्स हैं, मतलब ये क्या सेंस है। अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि आरएसएस ने दरअसल क्या ट्रेनिंग दी है बीजेपी मोदी जी को देखकर एज अ रोल मॉडल। चाहे आप वीर सावरकर को गाली दे दो, पहले जो भी थे उनको गाली दे दो, गोडसे को गाली दे दो, ठीक है, लेकिन आज मोदी जी दुनिया के सामने एज अ रोल मॉडल। क्या आरएसएस ने क्या ट्रेनिंग, आरएसएस दरअसल ट्रेनिंग क्या देता है आप खुद ही देख लो अपनी नजर आंखों से। बिल्कुल जी। सही। अच्छा यानी जी, एक तो थोड़ा सा आएंगे कश्मीर की, सॉरी पंजाब की तरफ, कश्मीर की तरफ तो खैर नहीं है, कश्मीर में अमन शांति ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रही, लेकिन पंजाब में हो रहा है। और एक खबर मैं ये पढ़ रहा था कि कश्मीर में जब अमन अभी ज्यादा वो हो रहा है, मतलब पीस आ रहा है, तो वहां पे अगर कुछ नहीं हो सकता तो कहते हैं कि पंजाब की तरफ वो करके फोकस करके और इधर किया जा रहा है, क्या असल कहानी क्या है? हालांकि बहुत अरसे से हमने, ठीक है, बाहर कंट्रीज में इनके प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं सारा कुछ, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं थी, अभी क्या हुआ एकदम से कि ये एक हवा चली है? क्या होता है कि इंडिया इज अ वेरी चैलेंजिंग कंट्री टू गवर्न, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज एन एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स का मतलब है डिफरेंट कल्चर्स एंड मेनी, उसमें मेनी रिलीजन भी आते हैं, बट डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस।
अब क्या होता है कि अगर किसी स्टेट में वो स्टेट ठीक से चल रहा है, चलो भाई ठीक है इंडियन नेशनलिज्म, लेकिन अगर उस स्टेट में बहुत अरसे से कुछ प्रॉब्लम पनप रही है, जैसे कि आप चाहो आप बोलो अनएम्प्लॉयमेंट या फार्मर्स को हाँ दिक्कतें, या आप कहो कि ड्रग प्रॉब्लम, पंजाब यस में फार्मर्स को दिक्कतें और ड्रग प्रॉब्लम बहुत अरसे से चल रही है, ओके जाहिर सी बात है कि जो वहां के लीडर्स हैं वो फेल हो चुके हैं पंजाब को इन प्रॉब्लम से निकालने में। तो अमृतपाल सिंह जो है वो उसके जैसे बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि छोड़ो यार हमें इंडिया नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमें हम ड्रग्स की प्रॉब्लम से अपने बच्चों को निकाल नहीं पा रहे, इंडिया हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा इससे अच्छा, और ऊपर से बाहर के लोग आके हमारे पंजाब में सेटल हो रहे, इससे अच्छा हमारा पंजाब सिर्फ हमारा हो, हम अपने लोगों का खुद ख्याल रख लेंगे। एक ये फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जो इनमें आने लगी है, ठीक है ना। तो जी अमृतपाल सिंह वैसे जगह जगह जाकर यही लोगों से कहता था कि अपने कल्चर में वापस आओ, ठीक है ना, ड्रग्स में मुब्तला मत हो जाना, ड्रग्स को छोड़, ओके ड्रग्स का रास्ता छोड़ दो, हाँ ये चीजें ही बोलता था। लेकिन क्या है कि लोगों में वो जो फ्रस्ट्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट ड्रग्स इन चीजों को लेकर, वो एक वायलेंट मोड ले लेती है अगर बहुत टाइम से इस चीज को सॉल्व नहीं किया जाए। एंड इट इज अ फैक्ट कि बहुत टाइम से वहां पे गवर्नमेंट्स भी बदली हैं, अकाली दल, फिर बीजेपी, फिर ये अब आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, हाँ जो भी वहां पे बहुत सारे मतलब पार्टीज आई हैं, लेकिन कोई उनको पंजाब को इन प्रॉब्लम से निकाल नहीं पाया, जबकि पंजाबी जो मेजोरिटी है वो तो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, विच इज बिल्कुल वाई 80s में जो ये सेपरेटिज्म की आग मैं लगी थी बिल्कुल वहां पर, बिल्कुल उसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, विद इन 10 ईयर्स खत्म हो गया वो। ये कश्मीर की तरह तो नहीं चला, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्योंकि या हाँ जो भी है वो इसका यही मतलब है कि जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लोकल्स ने, तभी वो खत्म हो गया, कश्मीर में भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तभी वो खत्म हो गया, सेम में पंजाब में तो सबसे जल्दी खत्म हो गया था। बिल्कुल लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान बहुत ही एक इजी वे आउट ले लेता है इंडिया को डिफेम करने के लिए कि यार इंडिया में तो हर जगह आग लगी हुई है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत सारे कल्चर्स का ख्याल रखता है, अंडर वन टेरिटरी वन डोमिनियन इतने कल्चर्स का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी इतने कल्चर्स की एम्प्लॉय कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना होता है, प्लस उनको एम्प्लॉयमेंट देना होता है, प्लस उनको मतलब इट इज नॉट इजी। पाकिस्तान जिसमें एक ही रिलीजन है और एक ही लैंग्वेज है वो बात कर रहा है ऐसी कंट्री के बारे में जहां पे चैलेंजेस आर टेन फोल्ड। सो इट इज यूजुअली ये होता है कि अग्रीड के एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस वहां पर हुई है पंजाब में, जिससे फ्रस्ट्रेशन आ चुका है यूथ में, मैं एग्री बिल्कुल करती हूँ। लेकिन इंडिया पे उंगली उठाने से पहले कि पाकिस्तान की पंजाब का ख्याल नहीं रख पा रही इंडिया, जी उससे पहले पाकिस्तान को सोचना होगा कि अगर ड्रग्स पंजाब में फॉर एग्जाम्पल 3 मिलियन लोग ड्रग्स में मुब्तला है, पाकिस्तान में तो उससे डबल से भी ज्यादा 6.7 मिलियन लोग ड्रग्स में मुब्तला है, जी अगर पंजाब में 7% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पाकिस्तान में 31% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, टॉक अबाउट द मेल्स। सो आई एम टेलिंग यू कि जब ऐसी हालत है तो कमेंट ना करना बेटर होता है, क्योंकि जब आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमेंट करने लगते हैं तो अजीब लगता है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के बारे में कीजिए। हम मानते हैं कि कुछ गवर्नेंस फेलियर्स हुई हैं,